हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम आपके साथ में सेवेंथ स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है उसके सारे क्वेश्चन आंसर शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर इससे रिफ़र करें और फ्रेंड के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि एग्ज़ाम के टाइम उन्हें भी कोई भी परेशानी ना हो। चलिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं तो आप इसे देख सकते हो, और उसके साथ ही यहाँ मुहावरे दिए गए हैं तो मुहावरे एक बार मैं रीड करके दिखाती हूँ। खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन होना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, मेहनत करना बहुत, तारीफ के फूल बांधना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, सरप्राइज होते हैं ना ऐसे, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, परीक्षा के समय खून पसीना एक कर दोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। कभी कभी चोर क्या करते हैं, पुलिस के सामने हथियार डाल देते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। इंतज़ार करना, राह देखना, अभी हम छुट्टियां कभी चालू होगी इसका इंतज़ार करेंगे। आँखों से आग बरसाना, बहुत गुस्सा करना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आर्यन मन ही मन क्यों मुस्काया? मामा जी की भूत की बात सुनकर आर्यन मन ही मन मुस्काया। तो आप लोगों ने इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला है अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लेना। आर्यन गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? आर्यन गर्मी की छुट्टियां बिताने मामा जी के घर गया था। तो गया था ऐसे पूरा लिखना। आर्यन के इशारा करने पर कनिष्का ने क्या किया? आर्यन के इशारा करने पर कनिष्का ने सावधानी से कैमरा निकाला। पुलिस को वर्षों से किसकी तलाश थी? पुलिस को वर्षों से, वर्षों ऐसे लिखना है। देखो इस बच्चे ने मिस्टेक की हुई है। तो ये वर्बुक जो है ये है मेरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी है, स्कूल में चेक की गई है। बट टीचर्स जो स्कूल में होते हैं सारी गलतियां तो नहीं ढूंढ पाते हैं और उतना करेक्शन भी नहीं करके दे सकते हैं। तो ठीक है, राइट कर दिया है यहाँ पर। तो आप वर्षों से लिखो, वर्षों से डाकुओं के गिरोह की, गिरोह मतलब ग्रुप की तलाश थी। गांव में कौन सी अफवाहें फैली थी? हवेली में भूत रहते हैं, यह अफवाहें फैली थी, ऐसे आगे लिख सकते हो। आर्यन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था? आर्यन को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। चलिए निम्नलिखित अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। वे दबे पाव डैश चले गए हवेली। कनिष्का ने बड़ी डैश से कैमरा निकाला सावधानी। बिना डैश के भी यह कैमरा तस्वीर खींच लेता है फ्लैश गन। तो पहले कैमरा जो होते थे उसमें फ्लैश रहता था और लाइट जब चमकती है जैसे कैमरा क्लिक करोगे फोटो के लिए तो कैमरा ऐसे उसमें से फ्लैश निकलता था। तो वो फ्लैश निकलेगा तो डाकुओं को पता चल जाएगा, लेकिन ये जो कैमरा था उसमें बिना फ्लैश के भी तस्वीर आती थी। डैश होते ही दोनों घर से निकल पड़े अंधेरा। इंसान भी डैश है भूत, इंसान भी क्या है भूत है, ऐसे सेंटेंस में दिया है, सच में इंसान भूत नहीं है। ओके, सवेरा होते होते डाकुओं ने डैश डाल दिए हथियार। गांव वाले डाकुओं के आतंक से डैश हो गए, मुक्त हो गए। डैश पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे कैमरा पाकर। चलिए अभी किसने किससे कहा, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें हर तरह के क्वेश्चन इस लेसन में है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें इस लेसन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। चलिए उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, यह वाक्य मामा जी ने आर्यन से कहा। आप मेरे साथ थाने चलेंगे, यह प्रश्न आर्यन ने मामा जी से पूछा है। तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? यह प्रश्न, देखो प्रश्न है ना इसीलिए प्रश्न, यह प्रश्न मामा जी ने आर्यन से पूछा है।
इस हवेली में 10-15 वर्षों से कोई नहीं रहता। यह वाक्य, अब ये वाक्य है ना, सिंपल सेंटेंस है, तो यह वाक्य मामा जी ने आर्यन से कहा है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। यह वाक्य थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा। अभी कनिका लिखा हुआ है, बट कनिष्का ऐसे लिखना है, देखो कनिष्का, ठीक है, यहाँ पे श जोड़ना है। चलिए विस्तार में उत्तर लिखने हैं, मतलब हम जो ब्रीफ आंसर्स लिखते हैं डिटेल में, वैसे आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए या लिखिए। तो अभी ये आपको आंसर जो है ना मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसे आप लोगों को अच्छे से लिखना है। आर्यन और कनिष्का को हवेली के बाहर कहा कहो कि आवाज़ें सुनाई दी। वे दबे पाँव छतों में, सॉरी छेली में आए। हवेली लिखना है यहाँ पर, बच्चे देखो कितना मिस्टेक करते हैं। ये हवेली जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे लिखिए। हवेली के दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। हवेली के अंदर हट्टे कट्टे मूछ वाले, और क्या लिखा है यहाँ पर, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है, आप देख लेना यहाँ पे वर्ड क्या है, कौन सी आँखों से से आग बरस रही थी। यहाँ पे आग लिखना, आग बरस रही थी। ऐसे डरावने थे रहने वाले लोग। देन हड्डियाँ होड़ी था खा रहे हैं। अच्छा, वो लोग क्या खाते बैठे थे ना, हड्डियाँ खा रहे थे ना वो लोग, रोटी खा रहे थे। देखो ट ऐसे लिखा है तो कैसे चलेगा, तो ट को ऐसे लिखते हैं। हड्डियाँ रोटी खा रहे थे तो उनके पास बंदूकें और क्या थे, यहाँ पर बंदूकें भी थी, हथियार है, हथियार भी थे। ठीक है, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, अभी 7th स्टैंडर्ड में जाने के बाद इतने मिस्टेक्स तो नहीं होने चाहिए, बट सी अभी किए हैं कुछ बच्चों ने इतने सारे मिस्टेक्स। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण लिखिए। अभी क्यों वीरता पुरस्कार देने वाले थे, बिकॉज दोनों ने क्या किया, हवेली में जो भूत है उसका पता लगाया ना। चलिए देखते हैं। खेतों के बीच में भूत है, ये भूत है, ये आर्यन के मामा जी ने कहा था। लेकिन आर्यन पढ़ा लिखा था, वह जानता था कि यह सब झूठ है, इसीलिए वह मामा जी से कैमरा लेकर एक रात हवेली के पास जाकर भीतर के देख भीतर की तस्वीरें कनिष्का की सहायता से खींचकर नारायणपुर जाकर उन्हें देकर मामा जी को दिखा देता है। अच्छा, ये आंसर ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मैं, जिसमें मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊँगी, बिकॉज़ जो गलतियाँ हैं ना देखकर मुझे भी पसंद नहीं है डालना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और क्या हो गया, मेरे पास 2-3 वर्कबुक हैं, तो पता नहीं अभी मैं यहाँ पर क्लासेस में से आते समय दूसरा कोई वर्कबुक उठा के लाई हूँ जिसमें आंसर्स प्रॉपर नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। चलिए यहाँ पर आगे का जो भी है ना, ये मैं आप लोगों को दूसरे बुक से ही बताऊँगी। आर्यन को भूतों पर विश्वास न होने रहने की वजह विज्ञान शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया था। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। ओके, ये आंसर प्रॉपर है। हाँ, हवेली की विशेषताएं, हवेली में 15 लिखना है, देखो 15 कैसे लिखे हैं। 15 वर्षों से कोई नहीं रहता था। पहले जाने दो, ये भी बराबर नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये दे दूंगी बाद में। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। नारायणपुर, इसका आंसर है फोटो की दुकान, नारायणपुर। देन कपोल कल्पना और क कहो की आवाज, ये आंसर में भी था, क कहो की आवाज सुनाई दी थी ना उसे। विलोम शब्द देखो, उजाला अंधेरा, बुरा भला अच्छा, लिंग पहचान, ये मामा कौन है, पुल्लिंग है, वैज्ञानिक पुल्लिंग है, जो पुरुष होते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी संजाल दिया गया है। हवेली के भीतर के व्यक्ति इस प्रकार थे,
पगड़ी बांधे हुए, बड़ी मूछों वाले, हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, ये बराबर है, अच्छे से दिया है। कभी कभी ना ऐसे हो जाता है कि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मतलब जो भी वर्ड्स है ना उसे प्रॉपर नहीं लिखते हैं। खाने की चीजें क्या क्या थी? हड्डी और रोटी, हड्डी। और परिच्छेद में आए हथियारों के नाम, तलवारें, बंदूकें। अभी तक ऊ की मात्रा ही नहीं दी है, ये बंधक के कर दिया, तो ऊ की मात्रा देनी है। अभी शरीर, निम्नलिखित शरीर के अंगों पर मुहावरे। देखो अपने शरीर के अंग मुंह है, तो मुंह लाल होना, मुंह तोड़ जवाब देना, ये मुहावरे है, ठीक है। देन आँख, आँख से आँख लांग देना, आँख दिखाना, दी खाना, एक ही वर्ड है तो अलग अलग लिख दिया है। मजा आती है ऐसे सच में। और युग्म शब्द होते हैं ना, उसमें बीच में लाइन होती है, ठीक है। जो भी लाइन वाले शब्द है आप लोग उसे लिखना। चलिए बच्चों, यहाँ पे भी अभी सेंटेंसेस दिए गए हैं जो करने हैं, जिसको हम करते हैं कारक शब्द। तो ये कारक दिए गए हैं, ने, को, से, के, लिए, का, पर, में। तो ये डालकर हम शब्द लिखते हैं ना। देखो मछुआरों ने जाल फेंका, तो मछुआरे ने। हाँ, तो इस तरह से लड़के ने माँ को आवाज दी, लड़की ने मछलियों को दाने डाले। तो सब में मैं यही डाल, सब में यही लिखोगे तो कैसे चलेगा? तो हमें ये सब वर्ड्स डाल के वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी मैं अपलोड करूँगी, आप देखते रहना। और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, और आप जब लिखोगे तो इस तरह से गलतियाँ नहीं करना, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।